हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो भी हमारी ऑटो लाइन होती है, ऑटो लाइन मैप पे पिगो और महिंद्रा अल्फा, अतुल, क्रांति, नंदी, सभी गाड़ियों में अगर हमारी गाड़ी जैसे चलते चलते लोड मानती हो और गाड़ी जैसे फुल रेस देते उस टाइम पटाखे छोड़ती हो, मतलब गाड़ी लोड मानती हो पटाखे छोड़ती हो, तो इस कमी में हम गाड़ी की ठोकर कैसे कम करते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, क्योंकि ये वीडियो हमारे नोजल पंप के लिए स्पेशल होने जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखना। हेलो दोस्तों, ये महिंद्रा अल्फा गाड़ी है भाई और ये BS4 गाड़ी है और इस गाड़ी में कमी आई हुई है कि ये गाड़ी जब भी ड्राइवर इसे स्टार्ट करता है, ये गाड़ी जैसे चलते टाइम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोड लेती है और पटाखे मारने लग जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी लोड लेती है और पटाखे मारती हो, जैसे गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता, तो जैसे 5-6 सवारी बैठे हो गाड़ी में, पूरा लोड मान जाती हो गाड़ी और पटाखे छोड़ती हो, तो इस कमी में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपकी पंप की जो ठोकर होती है वो डाउन हो चुकी है और आपने इस गाड़ी की पंप की ठोकर को उठवाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमें इस गाड़ी के पंप की ठोकर को उठाकर दिखाएंगे, तो आप रेगुलर वीडियो में बने रहे भी। इस तरीके से आप घर बैठे भी अपनी गाड़ी की पंप की ठोकर उठवा सकते हैं, या आपने कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना, या चैनल के अबाउट में हमारा नंबर है उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सबसे पहले तो क्या करना, आपने 6 की हल्की से सबसे पहले तो आपने अपनी जो अपने डीजल की नोजल की सप्लाई की पाइप होती है, जो पंप से नोजल तक आती है, इसको पाइप को खोल लेना भी। और बड़ा ही आसान तरीके से काम करना है, तो आपने अपनी जो हमारी स्लप होती है इसको भी खोल लेना, ताकि अच्छे तरीके से हमारा पंप बैठ जाए। और उसके बाद आपने अपने पंप को खोल लेना इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपने अपने पंप को खोल लेना भाई। और ये कमी भाई जेन्युइन कमी होती है, मोस्टली सभी गाड़ियों में रहती है। और ड्राइवर क्या कर देते हैं, हमारा गाड़ी का पंप नया ही करवा देते, लेकिन वो कमी नहीं ठीक होती। अगर आप खोलते हो ना, तो उस टाइम अपनी पुली को भी घुमा ले भी, अच्छे तरीके से पंप ऊपर नीचे हो जाएगा और अच्छे तरीके से खुल जाएगा। तो दोस्तों देखो, हमने इस गाड़ी का पंप निकाल लिया बाहर, और इस गाड़ी की ठोकर कम क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर एक मोटी सिम दे रखी है भाई। या तो आप ये करें कि इसकी पतली सिम डाल दे, या फिर इस सिम को निकाल के रख दे भाई साइड में, तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की ठोकर कम थी जो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस गाड़ी में एक कमी हो रही भाई कि देखो इस गाड़ी का पंप टूटा हुआ, देखो येरा। तो आपने अब क्या करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का पंप भी करवाना पड़ेगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे भी, किस तरीके से इसका पंप सेट किया जाता है। तो दोस्तों देखो भाई, ये पंप टूट चुका है, ये हमारा ठोकर की वजह से टूटा भी। अगर हमारी गाड़ी की ठोकर कम होगी, तो जैसे लोड लेगी ना, तो पंप पर ही दाब आएगी उस चीज की, और ये पंप इसी वजह से टूटा है, जो ये ठेपी होती है पंप के ऊपर। तो अब हम इस गाड़ी की तो ठेपी चेंज करनी पड़ेगी, अगर ठेपी नहीं मिलती तो आपने पंप ही चेंज करना पड़ेगा भाई। दोस्तों देखो इस तरीके से, ये हमारे पंप का है, हमने पुराना एक लॉक लिया है, अब इस तरीके से इसमें डालेंगे भाई। देखो इस तरीके से फिट करके स्प्रिंग को आपने दबा लेना है, दोस्तों आपने अपने पंप को बाहर निकाल लेना भाई, क्योंकि वहीं पर ये चीज सेट नहीं होगी, आपने इसको बाहर खोल करके अच्छे तरीके से सेट करनी पड़ेगी। देखो इस तरीके से आपने स्प्रिंग डालना भाई, ये टेढ़ा लॉक सेट होगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा आपने। अगर आपसे नहीं हो तो आपने स्पेशल नोजल पंप के मिस्त्री से इसको सेट करवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नीचे बैठ जाता है और उनके पास इस चीज की बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। दोस्तों देखो, जो ये पंप का लॉक था ये हमने डाल दिया, बड़े ही मेहनत के साथ डाला भाई ये, आपने इसको घर पर खुद नहीं डालना भाई, जो स्पेशल नोजल पंप वाले होते हैं उसी से इसको डलवाना है। और इसके बाद हम इसको फिट कर देंगे भाई इस तरीके से, देखो भाई इस तरीके से इसको फिट करना है। देखो इस तरीके से आपने अपने नट लगा देने हैं, जो 6 केल के नट हमने खोले थे। जिस तरीके से आपने अपना पंप खोला था भाई, उसी तरीके से डालना है, क्योंकि ये काफी बार पंप पे बैठता नहीं है अच्छे से। और उसके बाद अपनी पुली में रस्सी लगा लेनी भाई इस तरीके से आपने,
उधर उगला के स्टॉप की वायर है, उसके बाद जो हमने फिल्टर की पाइप खोल रखी है वो आपने अपने पंप में इसी तरीके से लगा देनी है भाई। आका जैसे हमने डीजल की पाइप को लगाया भाई, उसी तरीके से जो नोजल की पाइप हमने खोल रखी है उसको भी इसी तरीके से आप फिट कर दे। उसके बाद आपने भाई अपनी आपने उल्टी रस्सी घुमानी है भाई इस तरीके से। उसके बाद देखो पंप हमारा तेल फेंक रहा है। अगर आप स्टॉप का आउटर खींचोगे तो पंप से तेल नहीं आएगा, अगर आप स्टॉप का आउटर छोड़ दोगे तो इस तरीके से। देखो चल एक मिनट घुमा रे, एक मिनट घुमा यार, देखो इस तरीके करते बंदे। तो दोस्तों देखो भाई इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी हमारी पहले से कितना फर्क में है।